हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम आपके लिए हिंदी माध्यम में क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज से मैंने आपके लिए हिंदी माध्यम में क्लास स्टार्ट कर दी है। तो आप अपनी क्लास को ज्वाइन कीजिए और आपकी क्लास कंटिन्यू डेली चलती रहेगी। आप डेली अपने लेक्चर को अच्छे से सुनिए, जो मैं समझाऊँगा सिर्फ उसको अच्छे से सुनना है। और जो आपके ये सामने लिखा हुआ है, ये सब एज इट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लेना, हो सके तो फोटो स्टेट निकलवा लेना। तो मैं आपके लिए हिंदी माध्यम में क्लास लेकर के आ चुका हूँ, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि देखिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी सपोर्ट किया जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करें, शेयर कर दीजिए उनको और व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को ऐड करने की कोशिश करें, तो हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उससे हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, आपकी और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और इन फ्यूचर हम आपसे वादा भी करते हैं कि हम आपके लिए नीट, आईआईटी, एनडीए इन सभी के लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें सपोर्ट करिए, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आइए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपना अध्याय चार शुरू करते हैं। हम अध्याय चार शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो हो सकता है कि हमारा सिलेबस कहीं पीछे ना रह जाए। तो हम चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी के 3 चैप्टर हमने स्किप कर दिए हैं। वो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा, उनको भी कोशिश करूँगा कराने की। लेकिन अभी हम चैप्टर 4 से शुरू करते हैं और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और सिलेबस को कम्प्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। बच्चों, ये जो चैप्टर 4 है, अगर हम पुरानी बुक उठा करके देखें तो उसमें चैप्टर नंबर 5 से है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने एक चैप्टर को रिमूव कर दिया, जो कि भौतिक जगत था उसको हटा दिया गया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, गति के नियम है। बच्चों, गति के नियम यानी कि जब गति होती है तो उसमें भी नियम लगते हैं। जैसे हमारा देश है, हमारा देश चलता है, किससे चलता है? एक नियम से चलता है। उस नियम की हमने पूरी किताब बना रखी है, जिसे हम संविधान कहते हैं। तो उस नियम से हमारा भारत चलता है। इसी तरह से दुनिया में होने वाले जितनी भी नेचुरल फिनोमिना हैं, घटनाएं हैं, उन सब के पीछे नियम लगे हुए होते हैं, वे भी एक कानून के दायरे में चलते हैं। जैसे कि हम बात करें चांद का घूमना, चांद भी अपने एक नियम के दायरे में चलता है, सूरज भी अपने नियम से चलता है, दिन रात भी अपने नियम से होते हैं, 24 घंटे बाद ही दिन रात होते हैं। तो हर चीज़ों में जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं, उन सब में नियम लगे हुए होते हैं। इसी तरह से हम पढ़ रहे हैं गति के नियम, कि गति में कौन कौन से नियम लगे हुए होते हैं। तो गति के नियम, ठीक है, गति के नियम आ गए हमारे, गति के नियम। अब बच्चों, ये गति के नियम आपने पिछले चैप्टर में या 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि गति किसको कहते हैं हम। गति जब होती है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो अपनी अवस्था में परिवर्तन लेकर के आ जाती है, तब हम उसको कहते हैं कि वस्तु गति में आ गई। तो गति के लिए जो गति को कराने वाला कारक है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि वो क्या चीज़ होती है, गति को कराता कौन है। तो गति को कराता है आपका बल। तो बल जब गति को कराता है, तो बल की परिभाषा हमारे पास होनी चाहिए कि बल आखिर होता क्या है। तो बच्चों, बल एक ऐसी चीज़ है कि जब हम उसे किसी वस्तु पर अप्लाई करेंगे, लगा देंगे, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। मान लीजिए, अगर ये वस्तु, सपोज दैट ये वस्तु है आपकी, अगर ये वस्तु है विराम अवस्था में, रुकी हुई है, मैंने बाह्य बल अप्लाई करा तो इसके पास वेग आ जाएगा, चलने लग जाएगी ये। तो हम कहेंगे कि बल एक ऐसी चीज़ है जो अवस्था में परिवर्तन कर देता है। चलती हुई गाड़ी है, चलती हुई मोटरसाइकिल है, हमने बाह्य कारक अप्लाई किया, साइकिल पकड़ करके ऐसे खींच ली, उसको हम काय में लेकर के आ गए विराम अवस्था में। तो बल अवस्था में परिवर्तन करता है। अगर विराम में है तो मोशन में कर देगा उसको, और अगर वो गति में है तो उसको विराम अवस्था में कर देगा। इसी तरीके से बल और क्या कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, दबाऊंगा, तो ये पिचक जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी,
इसका आकार भी चेंज हो सकता है, लंबाई बढ़ जाएगी ऐसे खींचेगी, किसी तार को खींचेगी। तो बल एक ऐसे कारक को कहते हैं, एक ऐसा कारक होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है और वस्तु की दिशा में परिवर्तन करता है, वस्तु का आकार बदलता है एक्सेट्रा। बाकी तो बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं हम, इतना बहुत रहेगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, उसको हम आगे पढ़ लेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद गति के बारे में बात कर रहे हैं हम। गति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। उन मतों में से सबसे पहला एक मत आया निकल करके अरस्तु। अरस्तु का ये मानना था कि कोई भी वस्तु को गति में रखने के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम एक खिलौने वाली गाड़ी को खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, तो हमने बल लगा रखा है, तो वस्तु गति में चलती आ रही है, गाड़ी चलती आ रही है। अगर हमने बल लगाना बंद कर दिया तो वो गाड़ी भी रुक जाएगी। तो अरस्तु की सोच कुछ कुछ उसके हिसाब से ठीक थी कि भाई जैसे मोटरसाइकिल चलानी है तो मोटरसाइकिल जब तक ही तो चलेगी जब तक हम उस पर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो वो गति खत्म हो जाएगी। तो बात इसकी कुछ ठीक थी। एक ग्रीक विचारक था, ये कह रहे हैं कि वस्तु को गतिशील बनाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के ये पता चला, नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। वस्तु को गतिशील बनाने के लिए बल की आवश्यकता तो होती ही नहीं। अब ये कैसी बात कह दी हमने कि बल की आवश्यकता नहीं होती? बल की आवश्यकता तो होती है, नहीं होती। अब इसको हम, इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। बच्चों, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे बल ऐसे होते हैं जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक वस्तु ली और इस वस्तु को कहा कि यहाँ से चलो, तो ये वी वेग से चलने लगी, और जब ये वी वेग से चलती है, ऐसे चला करके मैंने इसको छोड़ दिया, तो हम जानते हैं कि इस वस्तु पर कंटिन्यूस नीचे की तरफ गुरुत्व बल लग रहा है। उस गुरुत्व बल को हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये वस्तु चलती रहेगी और इस पर गुरुत्व बल लगता रहेगा, और गुरुत्व बल के कारण ये थोड़ी देर बाद विराम अवस्था में आ जाएगी। इसी तरीके से इन दो सतहों के बीच यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, घर्षण बल बोलते हैं जिसे। ये घर्षण बल क्या करेगा? ये घर्षण बल इस वस्तु की गति का विरोध करेगा और ये वस्तु विराम अवस्था में आ जाएगी। तो कुछ बल ऐसे होते हैं जैसे कि गुरुत्व बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ठीक है, और स्यान बल भी होता है। स्यान बल कहाँ होता है? ये स्यान बल होता है लिक्विड में, पानी में, तरलों में होता है। जैसे कि मैंने पानी लिया, पानी में हाथ डाल करके ऐसे चलाया तो बहुत आसानी से चलता है। अब मैंने शहद में हाथ डाल करके ऐसे चलाया तो हम कहते हैं कि बड़ा हार्ड चल रहा है, बड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि शहद की श्यानता ज़्यादा है, वहाँ पे श्यान बल ज़्यादा लगता है। तो ये श्यान बल द्रवों में होता है, ये दो सतहों के बीच पाया जाता है, इसको तो आप जानते ही, ये पहले से गुरुत्व बल, ठीक है। तो कुछ बल ऐसे होते हैं जो कि वस्तु की गति का विरोध करते हैं। अगर ये बल ना हो तो एक वस्तु पर ऐसे ऐसे फोर्स लगा करके छोड़ दीजिए, अब उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो ऐसे ही कंटिन्यूस अनंत दूरी तक चलती चली जाएगी। ये बात बताई थी हमें गैलीलियो गैलीनी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट किया हमने। मान लीजिए ये हमने बाउल ले लिया इस तरीके का, और उन्होंने क्या किया कि इस बाउल की ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, उसको इतनी चिकनी कर दी उन्होंने, इतनी स्मूथ बना दी बहुत ज़्यादा, यानी कि घर्षण बल जो होगा इस सतह के बीच, जो घर्षण बल होगा उसको ख़त्म कर दिया। और एक छोटा सा कैंचा लिया, मार्बल लिया, छोटी सी गोली ली, और उसको यहाँ से उन्होंने रिलीज किया, यहाँ से छोड़ने के बाद वे देखते हैं कि ये मार्बल ऐसे इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, बहुत देर तक चलता रहता है, काफ़ी देर तक चला। अब उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो कैंचा है, ये जो मार्बल है, ये जो गोली है, ये तो अनंत अनंत तक चलता रहेगा, अनंत टाइम तक चलता रहेगा, अगर हमारा गुरुत्व बल ना हो। नीचे की तरफ जो गुरुत्व बल लगता है, वो गुरुत्व बल ख़त्म कर दो आप। अगर उस गुरुत्व बल को ख़त्म कर दिया आपने, तो ये मार्बल, ये गोली आपकी अनंत टाइम तक ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही ओसिलेशन इसमें होते रहेंगे। तो गैलीलियो गैलीनी ने ये इन बलों की खोज कर करके
इन बातों को समझ करके ये बताया कि किसी कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में तो वो गति में ही रहेगी, उस पर बल ना लग रहा हो, बल उस पर ना लगा हुआ हो। जबकि गिर क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है अरस्तु, कि बल की आवश्यकता होती है। और गैलीलियो गैलीली कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर बाह्य बल अगर शून्य है और वो वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी, गति ही करती रहेगी। लेकिन हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी डेली लाइफ में गुरुत्व बल है और गुरुत्व बल के बिना हम जी नहीं सकते। गुरुत्व बल को खत्म करना होगा हमें। अगर हमने गुरुत्व बल को खत्म कर दिया तो यहाँ तो फायदा हो जाएगा कि अनंत दूरी तक चलती रहेगी, लेकिन हम खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम तो गुरुत्व बल से जी रहे हैं। हम अर्थ पे है, हमारे पे कंटिन्यूस गुरुत्व बल लग रहा है, हमें उसकी आदत पड़ी हुई है सहने की। ऐसे ही घर्षण बल को हम कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, चिकना कर सकते हैं, मोम लगा करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। श्यान बल को भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारी डेली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, अदरवाइज हो जाता। तो ये फैलोसी इसलिए खत्म हो जाती है, ये डिलीट मतलब गलत साबित हो जाती है कि बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। वो कह रहे हैं कि इन बलों की वजह से वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। अगर ये बल ना हो तो वस्तु गति ही करती रहेगी। तो ये बात आप तक यहाँ तक आ गई। इसके कुछ ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वो नोट्स में मैं आपको सेंड कर दूंगा कि ग्रीक के क्या क्या विचारक थे। ये एक विचारक लिखा है मैंने, बाकी विचारक आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगे, मैं सेंड कर दूंगा। उसके बाद हम दूसरी चीज़ लेते हैं, अब सेकंड थिंग्स लेते हैं हम, जड़त। ये लेते हैं हम, जड़त पढ़ते हैं। अब ये जड़त क्या चीज़ है? ये जड़ जमा के रखना, जड़त, जड़ जमा के रखना, जड़त का मतलब है जड़ जमा के रखना। और जड़ जमा के रखना आप जानते ही है, जड़ जमा के रखना। लो जी, जड़ जमा के रखनी है। मान लो कोई वस्तु ए विराम अवस्था में है, ये बैठी हुई है बेचारी, ये विराम में है। आपका दोस्त सीट पर बैठा है, उसने जड़ जमा करके रखी है, ऐसे बैठा है चुपचाप। अब सामने वाला कोई दूसरा फ्रेंड आया और उसने बोला खड़ा हो यहाँ से, तो उसने तो जड़ जमा रखी है, वो उसे वो अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, क्या है भाई, क्यों उठा रहा है मुझे, मैं तो यहाँ पे पहले से बैठा हूँ, क्यों उठा रहा है मुझे। तब अगर उसे उठाना है तो उसे ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी, तो ये उठ जाएगा। अगर इसके पास ज़्यादा ताकत है तो नहीं उठेगा, उस वो ही वापिस चला जाएगा। तो ऐसे ही हमारा फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो ये विराम में ही रहेगी। अगर हम इस पे बल लगाने की कोशिश करेंगे तो ये बल हमारे बल का विरोध करेगी, हमारे बल को बोलेगी मैं आपसे हटने वाली नहीं हूँ, मैं विराम अवस्था में हूँ, विराम में ही रहूँगी। तो इस वस्तु ने अपनी जड़ जमा करके रख रखी है, और उस गुण को जिस गुण के कारण ये जड़ जमा करके रख रखी है उसे ही हम कहते हैं जड़त्व, जड़त्व कहते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ट्रक है, अब ट्रक को आप धकेलना चाहते हो तो आपसे धकेलेगा नहीं, क्योंकि उसने जड़ जमा करके रख रखी है, उसके पास एक ऐसा गुण है कि वो आपके बल का विरोध कर सकता है, तो इसलिए वो ट्रक अब वहाँ से नहीं धकेलेगा। कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को आप उठाना चाहते हो तो आप उठाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा, कम अमाउंट में लगाओगे नहीं उठा सकते, क्योंकि उसके पास खुद ऐसा गुण है कि वो आपके फोर्स का अपोज करेगा, आपके बल का विरोध करेगा वो। तो जड़त उसको कहते हैं हम, जो कि जड़त उस वस्तु का गुण है, जड़त वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो बाह्य बल का विरोध करता है, वो जड़ जमा करके रख रखी है। अब ये जड़ जमा करके विराम अवस्था में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी कोई एक वस्तु है और ये वस्तु ऐसे मोशन में है, ये चलती हुई जा रही है इस तरफ, ये जा रही है चलती हुई वेलोसिटी से, कोई वस्तु ऐसे भागी हुई जा रही है, भागी हुई जा रही है, तो उसके अंदर एक ऐसा गुण है कि वो वस्तु अपने आप मोशन में है, गति में है, तो गति में ही रहेगी। अगर आप उसकी गति को रोकने की कोशिश करोगे तो आपका वो विरोध करेगी।
आप चलती हुई मोटरसाइकिल को रोक करके देगी अपने हाथों से। तो जैसे ही आप अपने हाथों से रोकने की कोशिश करोगे, वो मोटरसाइकिल आपको भी आगे की तरफ लेकर के चली जाएगी, क्योंकि वो आपका विरोध करेगी। ऐसे चलता हुआ एक पंखा है, वो गति में है। अगर वो गति में है और आप उसको रोकना चाहते हैं तो वो आपसे रोकेगा नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा गुण लेकर के बैठा है कि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा उस गुण के कारण, गति में है तो गति में ही रहेगा। आप रोक करके देख लेना, पंखे में जैसे ही रोकने की कोशिश करोगे आपके हाथ में चोट लग जाएगी, आपके हाथ को तोड़ देगा वो, क्योंकि उसके पास जड़त्व है। कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व, क्योंकि वो गति में है। तो जड़त्व के प्रकार भी होते हैं। एक प्रकार होता है आपका विराम, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। ये कब वर्क करेगा? जब वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। और एक जड़त्व होता है बच्चों गति का जड़त्व, एक होता है गति का, दूसरा होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, और तीसरा होता है आपका दिशा का जड़त्व। तीन तरीके के जड़त्व होते हैं, दिशा का जड़त्व। अब इन तीनों के मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। विराम का जड़त्व तो मैंने आपको समझा दिया कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, क्यों? जड़त्व के कारण। जड़त की परिभाषा समझ में आ गई। जड़त क्या है? जड़त वस्तु का एक ऐसा गुण है जो कि जिस गुण के कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। गति का जड़त हो गया, दिशा का जड़त। अब इनके एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसका एग्जांपल बहुत फेमस है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे अदर एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनमें ये पूछे जाते हैं विराम का जड़त। इसका जड़त ये है कि मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, आराम से तसल्लीपूर्वक बैठे हैं, अब विराम में हैं, हम बस भी विराम में है, तो हमारे पास कौन सा जड़त है? विराम का जड़त। अब क्या हुआ, ड्राइवर आया, ड्राइवर ने गियर डाला और सडनली 20 की स्पीड से उसने अपनी बस को स्टार्ट किया और लेकर के चलने लगा। और जैसे ही ये समझिए हम ऐसे बैठे थे, ये बस थी, हम ये ऐसे बैठे हैं, ड्राइवर आया, बस आगे की तरफ चली, तो हम विराम में थे तो हमें तो विराम में ही रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जड़त है। तो हमारे पास जड़त के कारण हम विराम में हैं, विराम में रहना चाहते हैं, और ये बस आगे चली गई तो हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे ऐसे, क्योंकि हम विराम में थे, विराम में रहना चाहते हैं, तो हम पीछे की तरफ ऐसे गिर जाएंगे। लेकिन बस आगे की तरफ चली गई तो हमारी बॉडी को पता चला कि भाई तू पीछे कहाँ जा रहा है, हम तो मोशन में आ गए। तो थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी को मैसेज मिलता है कि हम मोशन में आ चुके हैं, गति में आ चुके हैं, इसलिए हम सीधे हो जाएंगे। अब बस चलने लगी। अब यही कारण है कि एक बस में बैठा हुआ पैसेंजर पीछे की तरफ क्यों गिरता है, विराम के जड़त के कारण। अब मान लीजिए बस चल रही है, जब बस चल रही है तो आपके पास कौन सा जड़त आ चुका है? आपके पास जड़त आ चुका है गति का जड़त, क्योंकि आप गति में है, बस भी गति में है, आप भी गति में, तो आपके पास गति का जड़त है। अब मान लीजिए सीधी बहुत तेजी की स्पीड से बस चलती जा रही है और सडनली ड्राइवर ने अगर ब्रेक अप्लाई कर दिए तो आप क्या करोगे, आपका क्या होगा? आप सीधे आगे की तरफ गिरोगे। क्यों? क्योंकि आप गति में थे, गति में ही रहना चाहते हैं, आपकी बॉडी को गति में रहने की आदत है, इसलिए वो आगे की तरफ जाना चाहती है। थोड़ी देर पता चलता है कि हम विराम में आ गए तो फिर वो सतर्क होकर के फिर वो रेस्ट में आ जाती है। तो इसका ये एग्जांपल हो गया कि चलती हुई बस में जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो पैसेंजर आगे की तरफ क्यों गिरता है, आंसर है गति के जड़त के कारण। इसका और एग्जांपल एक समझिए दिशा का जड़त, इसका एग्जांपल समझिए दिशा का जड़त। ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें? मान लीजिए बस चल रही है, जब बस चल रही है तो आपने देखा होगा कि हम बस से उतरते हैं, हम बस से उतरते हैं और चलती चलती हुई बस से उतर जाते हैं। जब चलती चलती हुई बस से उतरते हैं तो हम आगे की तरफ मुंह कर करके उतरते हैं। अगर हम पीछे की तरफ मुंह कर करके उतरेंगे तो हम ऐसे गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी। अब यहाँ पे आंसर, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम आगे की तरफ मुंह करके ही क्यों उतरते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास जड़त इस दिशा में था तो हम भी इसी दिशा में चलेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। अगर हम उल्टी दिशा में उतर जाएंगे इस दिशा में तो हम इधर चलेंगे और हमारे पास जड़त इधर है, जड़त हमें इधर ले जाने की कोशिश करेगा इस दिशा में और हम इस दिशा में चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा बैलेंस लड़खड़ा जाएगा, बिगड़ जाएगा और हम नीचे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी हमें।
तो ये है दिशा का जड़त्व का कारण। और दूसरा समझिए, मान लीजिए बस चल रही है, बस ऐसे सीधी चल रही है, ऐसे सामने मोड़ आया और उसको बस ने ऐसे ऐसे घुमा दिया, बस को ऐसे घूम गई। तो हमारे पास पहले जड़त्व ऐसे था, हम ऐसे जा रहे थे, इस दिशा में हमारे पास जड़त्व था, जैसे ही बस इधर की तरफ घूमती है तो हम तो इधर ही जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जड़त्व इस दिशा में है। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे झुक जाएंगे और थोड़ी देर बाद हमारे पास मैसेज पहुंचेगा कि अब हमें इधर जाना है, तो हम अपनी बॉडी को सीधी कर लेते हैं। तो ये हो जाता है दिशा का जड़त्व। तो ये हमारा हो गया आज का इतना। हमने बल को आपको गति के नियम अभी नहीं चले हैं, गति के नियम समझने से पहले हमें ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये जाननी ही तो पड़ेगी। बल समझ लिया मैंने, अरिस्टो की भ्रमकता समझा दी है, विराम का जड़त हो गया, जड़त के तीन प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए डेली कंटिन्यूस वीडियो लेकर के आता रहूँगा, आपकी डेली क्लास लूँगा, आपको 100% सपोर्ट करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया ही है, वहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट को सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो नोट्स है वो नोट्स मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ही प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करने की कोशिश करें जो पढ़ने के इच्छुक हैं। मैं आपको फ्यूचर में नीट, IIT, NDA इन सभी क्लासेस भी कराने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।